गाड़ी में एप्पल भरा हुआ है, देख सकते हो भाई। घाट पे कभी गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, तो गाड़ी उठाना बड़ी मुश्किल हो जाता भाई। लगा दी भाई अपनी गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे, अब सारा रास्ता तिरपाल हटाना पड़ेगा क्योंकि हाइट जाएगी अपनी गाड़ी में, देख सकते हो ये जो गाड़ी लोड हो रही है ऐसी हाइट जाएगी, ये सारा रास्ता तिरपाल हटाना पड़ेगा। और भाई जल्दी जल्दी खाली करने में जहाँ अपनी गाड़ी डीओ से खाली करी मुर्गी दाना, वहाँ पे तिरपाल बिछाने की भूल के आ गए। खोल रहे है भत्ता, अभी तिरपाल तो खोल दी है, अपने सुरेश भाई लगे हुए है भत्ता खोलने में। भर चुकी अपनी गाड़ी, हो गया रास्ता तिरपाल सारा करना था हमको, हो गया बस बिल्टी का वेट कर रहे हैं, बिल्टी कब मिले और हम यहाँ से निकले। और हाथ पैर धोने के लिए ऊपर छत पे आए थे हम, तो भाई यहाँ हवाएं इतनी प्यारी चल रही ठंडी ठंडी, और यहाँ का नज़ारा देखो तो भाई बहुत मस्त लग रहा है, देख सकते हो हवा बहुत खतरनाक आ रही, ठंडी ठंडी महकी महकी हवाएं चल रही बस ऊपर। तो चलो भाई उतरते हैं सीधा नीचे, बिल्टी बिल्टी अपनी हो गई होगी शायद, तैयार हो गई होगी बिल्टी, जाते हैं बिल्टी लेते हैं और निकलते हैं, सीधे मिलते हैं आपको। तो गाइस निकल पड़े हैं बाबा जी का नाम लेके ऊपर वाले का, और चल पड़े अपनी बिल्टी बिल्टी सारी मिल गई है, बस अब चलना ही चलना अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई यहाँ से, रात भर चलना है भाई, देख सकते हो काफी रश है भाई बाहर, शाम के टाइम में काफी भीड़ भड़ाका रहता है सिटी में। पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, कड़ोदरा ब्रिज से थोड़ा आगे पड़ता है ये सूरत गुजरात में, इस पंप पे हम हमेशा डीजल डलवाते, और भाई 43-65 भी आ गई मोबले भाई वाली गाड़ी, ये रही देख सकते हो, बढ़िया है ना, डलवा लिया डीजल। तो चलो भाई डलवाते अपनी गाड़ी में भी डीजल, 86 लीटर 76 पॉइंट, और भाई गुजरात का भाव देख सकते हो 92 रुपए 32 पैसे, भाई रेट कम है यहाँ का, एमपी में रेट ज्यादा है, महाराष्ट्र में रेट ज्यादा है। और ये भाई लोग डालते हैं अपनी गाड़ी में डीजल, हमेशा डलवाते हैं इधर डीजल अपनी गाड़ी में। क्या नाम है अंकल जी आपका? और इधर भाई आपका लतीफ, पैसे गिनने में लगे हुए भैया। ये है पेट्रोल पंप के मैनेजर। तो चलो गाइस निकलते हैं, तो भाई काफी भूख लगी है क्योंकि सुबह से खाना खाया नहीं हमने, टाइम ही हो गया था गाड़ी भरने के लिए चले गए, टाइम ही मिल नहीं पाया। चलो खाना वाना खाते उसके बाद करते हैं आप लोगों से बातें, ये अपना खाना वाना, अब निकलते भाई सीधा यहाँ से। तो गाइस अभी पहुंचे हम बरकासा, और भाई रोड की हालत देख सकते हो यार, बहुत ही बेकार हो रखा है यार रोड, और ये ताप्ती नदी का ब्रिज है भाई, अरे कुछ इसको यार थोड़ा बहुत मरम्मत करो रोड की भाई, गाड़ियों वाले क्या करेंगे, कैसे गाड़ी चलेंगे, टायर ही फूट जाएंगे। रास्ता टाइट करेंगे और अपनी गाड़ी का भी देखते हैं, अपनी गाड़ी का तो हाइट नहीं है इतनी, तो रास्ता नहीं ढीला हुआ होगा इसका, हो गया है देखते भी रास्ता कसेंगे और फिर निकलेंगे। भाई जाम देख सकते हो, यह है आगे कांटा, और गाड़ियां देखो भाई कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई देख सकते हो, वो पीछे तक जाम लगा है देख सकते हो पूरे। तो भाई सारे कांटे बंद करने के आर्डर आ चुके हैं, एमपी हो महाराष्ट्र गुजरात चाहे कहीं पे भी इंडिया में कोई से भी बॉर्डर हो स्टेट की, देख सकते हो बॉर्डर वालों की दादागिरी, एमपी सरकार की दादागिरी चल रही है, बस गाड़ियों वालों को लूटा जा रहा है, और भाई काफी यहाँ पे एंट्री लेते हैं और गाड़ियाँ बाहर की गाड़ी वालों को बहुत परेशान करते हैं। तो चलो आ जाए बबलू भाई की गाड़ी, पीछे रह गई है छूट गई, और अपनी गाड़ी पहले आ गई थी, मैं दूसरी लाइन में था और बबलू भाई की गाड़ी दूसरी लाइन में थी, तो आ जाए वो फिर साथ साथ में निकलते है भाई। और भाई देख सकते हो नर्मदा नदी अभी तो भर गई यार बहुत ज्यादा पानी, देख सकते भाई बाहर का व्यू। तो गाइस गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह के साथ फिर से, और भाई अभी बज चुकी है सुबह की 7, और ये लगाई अपनी गाड़ी साइड में, और ये है हाईवे नेशनल 3 नंबर हाईवे बम्बई आगरा रोड, और भाई हो लेते फ्रेश, रोड में तो भाई शौचालय मिलता ही नहीं है भाई, खुले में जाना तो नहीं चाहिए पर क्या करें, हमारे लिए कहीं शौचालय वगैरह कहीं बनानी है
तो इसीलिए भाई जंगल में जाना पड़ता है हमें। ट्रक ड्राइवर की लाइफ ही ऐसी है भाई। तो चलो ये देख सकते हो एक्सीडेंट हो रहा है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। और भाई इधर भी देखो दो गाड़ी और इधर रही है और आगे जाम लगा भाई भयंकर वाला, पता नहीं क्या मालूम। तो गाइस सेवफल भरी हुई गाड़ी पलटी खा गई है, देख सकते हो एक्सीडेंट हो गया भाई। यहाँ पे गाड़ी में एप्पल भरा हुआ है, देख सकते हो भाई। काफी जाम लगा भाई, पूरे एप्पल पूरे गिर गए, देखो रोड पे पूरा एप्पल बिखर गए, सेवफल ही सेवफल। तो गाइस देख सकते हो कितना भयंकर जाम लगा हुआ, देखो भाई घाट पे कभी गाड़ी खड़ी हो जाती है ना तो गाड़ी उठाना बड़ी मुश्किल हो जाता भाई, इसीलिए कभी भी गाड़ी चलाओ घाट पे भाई, एक दूसरे को ओवरटेक ना मारो, आराम से चलाया करो यार। और ऐसे घाट में भी आराम से गाड़ी उतारा करो। देखो एक्सीडेंट हो गया, जम्मू कश्मीर की गाड़ी थी उसमें एप्पल लोड था और बेचारे की गाड़ी पूरी खत्म हो गई। तो गाइस आराम से गाड़ी चलाया करो यार, डाउन में आराम से उतारा करो कभी भी गाड़ी, और घाट चढ़ते हुए भी भाई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं मारना चाहिए क्योंकि भाई सामने वाली गाड़ी का मौसम टूट जाता है। अभी देखा आपने पीछे एक्सीडेंट कितना भयंकर हो रखा था भाई, अपने घर परिवार मम्मी पापा दादा अपने बच्चे सब रास्ता देख रहे भाई घर पे आप लोगों का, इसीलिए भाई आराम से कभी भी गाड़ी चलाओ, आराम से डाउन उतरो और बड़े गियर में उतरो भाई, न्यूट्रल कभी ना मारो गाड़ी को। चलो भाई चलते हैं। इंदौर शहर सीधा और इधर राइट टर्न लेंगे आगरा, आगरा रोड, और भाई हमें राइट टर्न लेके जाना है इधर बाईपास क्योंकि हमें जाना है यहाँ से सेंटर पॉइंट देवास नाका, यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर और आगे जाएगी इंदौर सिटी पार करके उस साइड में खाली होगी गाड़ी अपनी। करेंगे बम्बई आगरा रोड को बाय बाय और मुड़ेंगे इधर, फिर भी रोड देखो भाई कैसा खराब है, पता नहीं चलता कि टायर कहाँ जा रहा है, कितना ज्यादा खड्डा है कि कम है पता नहीं चलेगा। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं इंदौर और अपनी गाड़ी लगा दी गोडाउन पे, रास्ता तिरपाल सारा खोलना था खोल दिया है, देख सकते अपनी गाड़ी रास्ता तिरपाल हटा दिया हमने, बस अभी भत्ता वत्ता भी खोला, सूरज भाई के हाथ में अभी पानी है। खराब हो गया हालत खराब हो गई है, क्या करें भाई हालत तो खराब होगी, काम ही अपना ऐसा है। तो चलो करते हैं गाड़ी खाली और कर रहे इधर भाई लोग खाली अपनी गाड़ी, अभी उतरेगा माल हो जाएगी आधे घंटे में फ्री। अपनी गाड़ी खाली हो चुकी थी और आ गए थे गाड़ी खाली करके निकल आए, और भाई भाड़ा लगा था अपनी गाड़ी का 21,000 रुपए सूरत से इंदौर का, और भाई खर्चा हुआ डीजल 9,000 का डीजल डाला मैंने, 1,500 रुपए टोल टैक्स, 500 रुपए ट्रांसपोर्ट कमीशन, 1,000 रुपए हमारा खाना खर्चा, और 2,000 रुपए गाड़ी भराई खाली कराई हिमाली, और 1,000 रुपए भाई एक्स्ट्रा खर्चा बाटर वाटर का, और सारा खर्चा आ गया ये चाय पानी वगैरह हमारा 1,000 रुपए, ऐसे करके भाई टोटल 15,000 रुपए खर्चा हो गया और 21,000 का भाड़ा, माइनस कर लो भाई 6,000 रुपए बचे अपनी गाड़ी को आने में 6,000 रुपए। तो ठीक है गाइस, किसी भी एंगल से किसी भी तरह से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर भी जा करके फॉलो करें, आईडी नाम से मैं विक्की ट्रकिंग ब्लॉग, और भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बस भाई जा रहे हैं भरने के लिए अभी सीधा इंदौर मंडी में, सारा कुछ बताऊंगा आपको अगले ब्लॉग में।